क्या हुआ आपको? मॉम क्या हुआ? ये सब क्या है? कौन है वहां? मॉम मैली, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। मॉम कुछ बोलिए मॉम, ये अचानक आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए आंखें। रुको रुको, अरे अब क्या हो गया? जल्दी करो, मोमबत्ती पिघल रही है। अरे मैं कैमरा ठीक कर रहा था। हाँ, 3, 2, 1, जल्दी से विश मांगिए। अरे लाइट क्यों चली गई? मॉम को ज्यादा ही जोर से बेटा, जाओ जाकर टीवी बंद कर दो। मॉम आप एक ही बात बार बार क्यों बोलती हैं? और बिजली वापस आ गई तो? कोई बात नहीं, तब भी कुछ नहीं बदलेगा, समझो। आदत जो पड़ गई है। हम तुम्हारा बर्थडे पहली बार मना रहे हैं। चलो फिर से मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है। अरे तुम्हारे कैमरे की बैटरी खत्म हो रही है। क्या बकवास कर रहे हो? अभी हंसने का ब्रेक हुआ है। हैप्पी बर्थडे डेरिया। थैंक यू वेरी मच बेटा। हैप्पी बर्थडे माय डियर। शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ढेर सारा प्यार तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा दिन है, एंजॉय करो। एक और तोहफा, एक और तोहफा। ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ले नहीं दिया। तुमने इतने पैसे खर्च क्यों किए? मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई फालतू खर्चा करे। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है ठीक है, जा। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है, अब से मैं सिर्फ सिंगल लोगों को इनवाइट करूंगा, क्योंकि शादीशुदा लोग सिर्फ एक जैसे गिफ्ट लेके आते हैं। ओह, थोड़ी तो शर्म करो। मजाक उड़ा रहा है हमारा। ठीक है, उसे शर्म आएगी ऐसा बोलने में। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये बहुत प्यारा है। क्या बात है मेरे भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। उसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम केक खाओ। अगर तुम्हें नहीं खाना है, मतलब अगर तुम्हें केक नहीं खाना है तो मुझे दे दो, ठीक है? ये खुल नहीं रहा। वैसे ये गिफ्ट हमने साथ में लिया है। ये कितना प्यारा है। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर है। प्यारा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है इसमें? क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत बच्चे सच में। अच्छा, मैं नहीं बताऊं। थैंक यू सो मच। कहा था अच्छा लगेगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। क्या बात, सच में बहुत सुंदर है। सारा कमाल इस पेंट का है। कैन ने पेंट किया है। हाँ, पर मैं और अच्छा पेंट कर सकता था। पर एक किराए के घर के लिए काफी है, तुम अपने घर के लिए इससे और अच्छा कर लोगे। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ इसे अपना खुद का घर मिले, छोटा हो पर खुद का हो, ताकि हर महीने रेंट ना देना पड़े। मॉम, आपको पता भी है कि इस एरिया में घर की कीमत क्या है? वैसे महंगे घर की जरूरत ही क्या है? ओह, तो तुम महल खरीदना चाहते हो? वो कहता है कि वो बुर्गस आइलैंड में रहेगा, आपको ये बात पता है कि नहीं? तुम अपना मुंह बंद करोगे कि नहीं? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? नहीं, मेरा आइडिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। मगर तुम उस आइलैंड पर जाकर करोगे क्या? और कुछ सोचो। हवाई किले नहीं बांधने चाहिए। तुम्हें बेकार के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ठीक कहा तुमने। फिजल, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हकीकत यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे बुर्गस आइलैंड थोड़ा महंगा है। तुम्हें हर बात बड़ा चढ़ा के ही कहनी होती तुम्हारा है। तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो। तुम्हें जो करना है वो करो। मेले, हमें निकलना होगा अब। हाँ ठीक है, चलेंगे। मुझे भी जाना होगा। मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है। चलो, बहुत लेट हो गया, हम लोग घर चलते हैं। ओ, अपना कैमरा लेना मत भूलना, ठीक है? हाँ, मुझे याद है। मैली, गाड़ी ध्यान से चलाना। फिकर मत करो। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या खुदा, या परवरदिगार, रहम कर, मदद कर। शैतानी ताकत को दूर कर।
जाओ, तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो मैली, हम ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें पता है मैं एक डरावना सपना देख रहा था। कैसा सपना? चलो तुम यहाँ से बाहर निकलो। तुम तो बाथरूम में भी कैमरा ले आए। मैली जरा ध्यान से रिकॉर्ड किया करो और वही फोटोज में नेट पर डाल दूंगा। ब्रेकफास्ट कर लो फिर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच दरिया। पेट भर कर खाना। मैली जरा इधर आओ। हाँ रुको अभी है। अरे यार बुला रहा हूँ ना तुम्हें। आ रहा हूँ बाबा, ना चिल्ला रहे हो। जरा आवाज कम कर दो, सुबह सुबह तुम सबकी नींद खराब कर दोगे। हम सब ठीक हैं। हाँ डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी है, अब वो सो रही हैं। डॉक्टर ने उनसे काफी सारे सवाल पूछे और कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। क्या तुम बेगम के साथ यहाँ आ सकते हो? बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ठीक है, हम तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। ओके ठीक है, बाय। हाँ फिकर मत करो, वो सो रही है। मैंने गाय को फोन किया था, वो बेगम को लेकर आ रहे हैं। अच्छा क्या उन्हें फोन कर दिया? हाँ पर अब इस दीवार का क्या करें? वो दीवार को इस तरह नहीं देखना चाहेंगी। घबराओ मत, मैं इस दीवार को पेंट कर दूंगा। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। मैली बहुत हो गया, कैमरा बंद करो। बेगम इसके बारे में क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक शिजोफ्रेनिक कंडीशन है, बिल्कुल शिजोफ्रेनिया के पोजीशन केस की तरह। क्या तुम्हारी माँ को कोई मानसिक बीमारी थी या फिर कोई अजीबोगरीब हादसा हुआ था? तुमने कहा पोजीशन, क्या मतलब है उसका? पोजीशन का मतलब है कि इंसान को ये लगने लगता है कि उसका शरीर किसी और शक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और वही शक्ति शरीर के सारे अंगों को चलाती है। तुम एक बार अपनी माँ को मेरे क्लिनिक लेके आओ। जैन तुम्हारी माँ को तो अरबी नहीं आती है, तुम इसे बीमारी का नाम कैसे दे सकते हो? और वो हम सब ने देखा है। तो मिस फिजन आप ही राय दीजिए हम लोग क्या करें। जैन हमें ये वीडियो होर्जा को दिखाना चाहिए। आप लोग किस सदी में जी रहे हैं? ये सच है कि हम इस बात के बारे में समझ नहीं पा रहे, पर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जान बेगम मुझे ये बताओ अभी इसी वक्त हम क्या करें? पर अभी देखो डॉक्टर्स ने जो उनके टेस्ट किए हैं उसके रिजल्ट नॉर्मल है,
तुम एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मेरी मॉम की हेल्प कर सकती हो तो ठीक है, वरना मुझे किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। इसका एक ही इलाज है, हिप्नोसिस, पर इसका रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा इंतजार करना होगा हमें। मैं बस एक टेक्निक इस्तेमाल करूंगी उन्हें शांत करने की, जिसमें हमें इन सब बातों के जवाब भी मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम लोग कल कर लेंगे। अगर हिप्नोसिस के बाद भी मेरी मॉम ठीक नहीं हुई तो? पर हिप्नोसिस कोई नींद की दवा नहीं है, मैं जो करूंगी उन्हें पता होगा। इस ट्रेंस में वो लोग धीमी आवाज से बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी मॉम को लेके आता हूँ। क्या हिप्नोसिस करने से पहले मुझे उनसे कुछ कहने की जरूरत है? नहीं, लेकिन जान के अलावा क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? नहीं तो ट्रेंस शुरू करने में हमें परेशानी होगी। ठीक है जान, तो हम चलते हैं। चलो मैं इन्हें घर छोड़कर आता हूँ। थैंक यू सो मच मैली। दरिया, आपका अभी अभी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, इसीलिए हम अभी एक हिप्नोसिस सेशन कर रहे हैं। मेमोरी लॉस हुआ है? सुबह जो कुछ हुआ वो आपको याद नहीं है? जान ने मुझे बताया कि आपका हाथ कटा और आप बेहोश हो गई थी। मैं बस एक छोटा सा सेशन करने वाली हूँ। मुझे क्या करना होगा? आपको बस रिलैक्स होना है और कुछ नहीं करना है, समझ गई? गुड। मेरी आँखों में देखिए, मैं जैसा बोलूँ आप वैसा वैसा कीजिए। सबसे पहले आप मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में। ठीक है। ऊपर देखिए, बहुत अच्छा। अब फिर एक बार मेरी आंखों में देखिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। वेरी गुड। अब आराम से लंबी और गहरी गहरी सांसें लीजिए। मेरे तीन गिनने के बाद आप अपनी सांसें छोड़ दीजिए। अच्छा है, अब आप रिलैक्स हो चुकी हैं। अब आप अपने आप को हल्का महसूस कर रही हैं। इस शांति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे, आराम से, गहरी सांसें, धीरे धीरे। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सुबह भी ऐसा ही लग रहा था? जी हाँ। जब आप खुश होती हैं तो क्या आप गाना गाती हैं? हाँ। हिंदी गाने गाती हैं? हाँ। क्या आप किसी और भाषा में भी गाने गाती हैं? नहीं। क्या आपको कोई और भाषा आती है? नहीं। क्या आपको अरबिक आती है? ना। क्या आपको याद है कि आपका हाथ कैसे कटा? नहीं। क्या वो आपने किया? नहीं। तो क्या ये सब किसी और ने किया? दरिया, आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? हाँ। तो बताइए किसने किया ये सब? इजाजत नहीं। क्या कोई आपको इजाजत नहीं दे रहा? हाँ। आप पर कोई काबू कर रहा है क्या? क्या वो यहाँ मौजूद है? मैं देख क्या था? इस कमरे में है वो? अब भी कहां पर है वो? तुम्हारे पीछे। पर यहां पर तो कोई नहीं है दरिया।
वो पूछ रहे हैं कि आप सच में उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ, मैं देखना चाहूंगी। मॉम, बेगम चली गई। बेटा तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी बेगम? बेगम, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हेलो, हेलो, फोन काट दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। पर मुझे डर है कि कहीं चीजें और खराब ना हो जाए। और वही हो रहा है अगर तुम देखो तो। आप जिसकी बात कर रही हो उसे जानती हैं? हाँ, एक बार उसने मेरी दोस्त की मदद भी की थी। सच में वो बहुत अच्छा होर्जा है। आपको यकीन है? हाँ, बिल्कुल काम करेगा। देखिए, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप उसे कॉल करिए और जल्दी बुलाइए प्लीज। हेलो इस्माइल होर्जा, आप कैसे हैं होर्जा साहब? धीरे बात कीजिए, मॉम सुन लेंगी। हाँ, मेरा नाम फिजन है। आपका ही वेट कर रहे थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदा। आइए होर्जा जी, बैठिए। आप कॉफी लेंगे या चाय? मुझे आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या खुदा या परवरदिगार, रहम कर, मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खुदा, आमीन।
तमाम ने दीवार पे कुछ लिखा था। मेरे लिए दो कटोरे लेकर क्या हो? ठीक है, हो जा। मैं लेके आता हूँ। मदद, ओला मदद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या खुदा। या अल्लाह परवरदिगार रहम। या अल्लाह मदद कर। बिस्मिल्लाह। या मौला मदद कर, मदद कर। शैतानी ताकत को दूर कर। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शैतानी ताकत को दूर कर। हमारी दुआ कबूल कर, कबूल कर अल्लाह, दुआ कबूल कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुदा शैतानी ताकत से दूर कर। मौला हमारी मदद कर, मदद कर मौला। ये मुबारक कौन है? मुबारक मुझे नहीं पता। मॉम। बेटा तुम मुझे बाहर निकालने यहां तक आ गए? ये तुम्हारा घर नहीं है, चली जाओ यहाँ से। जहाँ से तुम आई हो चली जाओ, वापस अपनी ही दुनिया में जहाँ से तुम आई हो। मैं पूछती हूँ, कब तक तुम अपने खुदा को पूछोगे? क्या तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत नहीं पड़ती? ये मत भूलो कि हम हैं इसलिए तुम हो। तुम कौन हो, क्या चाहती हो? तुम लोग नहीं जानते कि जब वो धरती पर आती है तो बिजली कड़कने लगती है। ये बताओ तुम कौन हो? अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ क्यों आते? ये एक मुसलमान का घर है, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुझे ताकत दे। अल्लाह, खुदा, अल्लाह ताला सब को बनाने वाला। क्या तुम्हें पता है अभी यहाँ कितने जिन हैं? मैं दिखाऊं जिन तुम्हें? रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनगिनत। क्या तुम्हें जिन से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है? उस जिन को देखो जिस पर तुम भरोसा करते हो इस बार। जान कैसे रह लगाओ, मेरी माँ है। जान मैं कह रहा हूँ, हाथ मत लगाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत हो जाओ प्लीज। कहाँ निकलो यहाँ से? शांत हो जाओ। जाओ। सुनिए, मेरी मदद कीजिए, इनको होश में लाइए, इनके सिर पे चोट लगी है। हो जा, मेरी मदद कीजिए। खुदा इन गुनाहों के लिए इन्हें माफ करना। मेरी आपसे गुजारिश है,
या अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदाए सलामत रखे, शैतानियों से दूर रखे। अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा। आप हमें ऐसे छोड़ के जा रहे हैं? उसने दीवार पर यह लिखा था कि कवच खुल जाएगा। मेरी मॉम की हालत बहुत खराब है। यहाँ इस घर में और कुछ भी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो अभी सबसे खतरनाक जिन के कब्जे में है। अब ये जिन क्या है? वो है हमारा रक्षक। हो जा, तुम्हारा हौसला टूट रहा है। तुम अल्लाह का नाम लो, सिर्फ वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शांत रहना वरना उठ जाएंगे। जिन क्या होता है? एक होशियार प्रेत जो इंसान और जानवरों के रूप में आता है ताकि इंसानों को वश में कर सके और उन पे पूरी तरह काबू पा सके। तुमने देखा ये? अच्छा मेरे भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, हम सभी डरे हुए थे, पर तुम प्लीज अपने गुस्से को जरा काबू में रखो। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो तुम यार। ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ? अब प्लीज तुम ये सब पढ़ना बंद करो। अरे यार, ये आवाज सुनी तुमने? रुक जा, मैं कैमरा की लाइट ऑन करता हूँ। मॉम, मॉम, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? मैं सिर्फ पानी पीने उठी थी। मॉम, हम तुम्हें आवाज दे रहे थे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कुछ भी नहीं सुना जैन। बहुत ठंड भी है, एक ब्लैंकेट ले लेती हूँ। वो कौन सा जिन है जिसने उसे वश में किया है? वो आशुद है जिसने हमें अलग कर दिया गया है। आखिर वो चाहते क्या है? वो उनके अगले वंश की राह देख रहे हैं। उनको क्या मिलेगा? कोई खून का रिश्तेदार। मैं तुम्हें अपनी ताकत दे रहा हूँ, तुम मेरी मदद करना, मेरे परिवार की हिफाजत करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। वो जो चाहते हैं वो होगा, पर उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा जब तक ये डला है। ए अल्लाह, परिवार की हिफाजत करना, हिफाजत करना या अल्लाह। पापा, पापा, पापा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हेलो इस्माइल, हो जा इसमें, हो जा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, हो जा, जरा देखो मॉम तैयार हो गई क्या? तुम क्या पागल हो गए हो? बताओ मुझे, तुम उस होजा पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? थोड़ा समझदारी से काम लो यार, क्या कर रहे हो तुम ये? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम समझदारी की बात कर रहे हो? मुझे पता है होजा ने क्या बातें बताई थी, ठीक है? ये गांव, ताला, जादू, इन सब का मतलब क्या है? हा? देखो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। जान, क्या कह रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था, सुनो। मॉम आप तैयार हो गए? ऐसी बेकार की बातों में मुझे क्यों घसीट रहे हो, तुम और तुम्हारी बेकार सोच। ये बेकार की बातें? एक बात बताओ मेले, तुम्हें याद तो है ना कल रात हमारे साथ क्या हुआ है? आपको याद भी है आपने दीवार पे क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था? आपको कुछ नहीं पता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने खून से अरबी भाषा में क्या लिखा था। प्लीज शांत हो जाओ यार, तुम उन्हें डरा रहे हो। चुप हो जा मेले। बेटा मैंने क्या लिखा? आपको अरबी आती है? नहीं आती बेटा। मेरी ओर देखिए मॉम। जैन शांत हो जाओ। देखिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है बेटा, मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। कौन थे मेरे नाना जी, मुझे बिल्कुल सच बताइएगा, वो क्या जिन से बात करते थे?
हाँ, पर उस बात से मेरा क्या लेना देना है? आपसे अब वो बात क्यों नहीं करते हैं मॉम? मैं नहीं जानती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। देखिए मॉम, मुझे ऐसा लगता है जो भी हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ वही है, और हमें उन्हें किसी भी हाल में ढूंढना होगा। बताइए मुझे वो कहाँ है। मॉम इस वक्त प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिएगा, आपको पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं पता जैन, मैं नहीं जानती। मैं उन्हें ढूंढने आपके गाँव जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चले या फिर ना चले। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? कोई बात नहीं डेरिया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम ध्यान रखो अपना, हाँ अपना ख्याल रखो, ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, सब ठीक हो जाएगा। पहुंचने ही वाले हैं, जरा नेविगेशन चेक करो। हाँ मैं वही चेक कर रहा हूँ, रुको। मॉम क्या आपको अपना घर याद है? हाँ वो गांव शुरू होने के पहले ही है। क्या लगता है नाना जी गांव में होंगे? मुझे पता नहीं। मॉम सच बताइए आपका बचपन कैसा था? तुम्हारे नाना जी को जादू पसंद था क्या? हाँ पसंद था, पर वो एक कारपेंटर थे। हाँ वो कारपेंटर थे, मैं 7 या 8 साल की थी तब वो मुझे गांव से बाहर ले गए, उसके बाद हम वापस कभी नहीं आए। रुको रुको, शायद हमने घर पार कर लिया। ठीक है मैं यूटर्न लेता हूं। की हालत तो देखो यार कितनी खराब हो गई है, क्या पता कोई बेघर रहता हो इसमें। चुप रहो के, चोरों की तरह दरवाजा क्यों? ये आपका घर है मॉम, लाइट भी नहीं है। हम वापस चलते हैं कैन। हम लोग इतनी दूर वापस जाने के लिए आए क्या मॉम? प्लीज अंदर आइए। कबाड़ हो गया घर तो। तुम कहीं यहाँ रहने का तो सोच नहीं रहना कैन। आज रात के बाद सब ठीक हो जाएगा मॉम, भरोसा रखिए। बिजली नहीं है, पंखे नहीं है। मॉम प्लीज शांत हो जाओ। मैं मार्केट से गैस ऑयल लेने जा रहा हूँ। जान देख रहे हो ना ऑयल खत्म हो रहा है,
बहुत रात नहीं हो गई है। फिक्र मत करिए, हमारी मॉम सही कह रही है। मैं भी आता हूँ। ये गुड़िया आपकी थी? वो दरवाजा मत खोलना। क्या? मत खोलना दरवाजा। कहिए। ये घर बर्बाद है, निकलो यहाँ से। देखिए, आज रात के लिए हम यही सोने वाले हैं। तो मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ और निकले दे देती हूँ। चलो। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? एक औरत मुझे देख कर गई। वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम कुछ अजीब हरकतें कर रही है। फालतू की बातें मत करो, चलो अंदर। जान बोला ना, अंदर चलो। बार बार नहीं कहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। जान जरा यहाँ इसे देखो। पर ये है क्या? ये जगह बहुत ही डरावनी है। क्या ये तुम्हारे नाना जी के मंत्र हैं? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस जो मिलता जाए उसे इकट्ठा करते जाओ। इतनी गंदी जगह पर हमें नींद कैसे आएगी? माँ, हम ये सब सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। सो जाइए। महली ने उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया?
हाँ उसने कर दिया है। मॉम मिल नहीं रही है। क्या कर रही है? क्या हो रहा है? ये उड़ लीजिए, ठंड है, ये उड़ लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
यार ये सब कल सुबह देखते हैं ना। तुम सो जाओ, मुझे कुछ रिसर्च करनी है। पर ये सब है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। तुम सो जाओ मैली। इस पर लिखा है कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। क्या ये? ये बताओ तुम्हारी नानी को कैंसर था क्या? दिखाओ। लेकिन ये तो हॉस्पिटल की ही रिपोर्ट है ना। इस पे तो 1967 लिखा हुआ है। उस वक्त मॉम सिर्फ 6 साल की थी। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मेरी नानी माँ को कैंसर था और क्या। यार तुम जाके आराम क्यों नहीं करते? जान तुम्हारी मॉम को हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। मेली दोबारा ये बात मुझसे मत करना, कभी भी नहीं, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हेलो होजा जी। वालेकुम। मैं कल रात ही यहाँ इस्तांबुल से पहुंचा हूँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आप प्लीज इन्हें देख सकते हैं? हाँ जरूर दिखाइए। क्या है ये जनाब? ये पेपर मुझे मेरे पुराने घर में मिले। ले लो इसे वापस ले लो। आपने तो इन्हें देखा भी नहीं। ये सब अच्छी चीजें नहीं है, इन सब चीजों से दूर रहो और मुझे भी छोड़ो। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं किसी भी तरह की तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और इन चीजों में तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। आप ही मुझे बताइए मैं किधर जाऊँ। एक आदमी है आसफ, उसको जाकर ढूंढो, इन कागजों को ले जाकर सिर्फ उसे दिखाओ, वो ही कुछ बताएगा। और ये असफ मुझे कहाँ मिलेगा? वो पास के गांव में ही रहता है, तुम्हें कोई भी बता देगा, वहीं पे तुम्हारा हल मिलेगा। अल्लाह तुम पे रहम करे। मुझे यहाँ का पता दिया गया है, क्या आप ही असफ हो जाए? असफ हो? असफ हो जा नहीं, तुम कौन हो वैसे? क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगा था कि आप कोई बुजुर्ग होंगे। मैं नहीं जानता आपको किस बारे में बताया, मगर मैं ये सब चीजें छोड़ चुका हूँ। देखिए मेरी मॉम के सुनो, मैं इन सब चीजों की वजह से यहाँ हूँ। आप नहीं समझ रहे, आप इन पेपर्स को एक बार देखिए तो सही, और मुझे प्लीज बताइए कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी माँ को पागल खाने में भर्ती कर दूं कि उन्हें अचानक से अरबी बोलनी कहां से आ गई, या फिर पुलिस को बुलाऊं या मीडिया वालों को? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। देखिए आप ही मेरी आखिरी आस है, प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सुनो जैन, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है, इसलिए आपको मेरी मदद तो करनी ही होगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, मेरी एक बात समझ लो, तुमने मुझे अभी जो कुछ भी बताया वैसा होता तो तुम यहाँ कभी नहीं होते, तुम और तुम्हारी माँ भी। ये सारे कागज वेफ्क हैं, जिसका मतलब है इफेक्टिव जादू, इच्छाओं का नंबर।
या ये कह सकते हो कि अक्षरों में एक ठीक तरीके से लिखा जाता है, एब्जेड अल्फाबेट। पर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ अरबी नहीं जानती? क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। मैंने कब कहा कि नहीं जानते? हो सकता है कि उन्होंने कभी तुम्हें बताया ही ना हो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई मजाक नहीं है, और कई लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तुमने टीवी पर जाने की बात की, पर अगर तुम जो कह रहे हो वैसा होता तो तुम्हें मीडिया बुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि मीडिया खुद तुम्हारे पास आएगी, ये बात का मैं दावा देता हूँ। तो आप भी मुझसे यही कह रहे हैं कि मुझे उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर दुआओं के भरोसे रहना चाहिए? तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, वो भी एक तरह की दुआ से कम थोड़ी है, बस अपने आप पर भरोसा रखो। आप मुझे ये बताइए, आप मेरी मदद करेंगे? देखो, मैंने कई साल इन चीजों में गंवाए हैं और इसलिए अब मैं यहाँ हूँ, और यही इस बात का नतीजा है, समझे? मैं समझ गया। इसके हर कागज को सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगा। ये किसने लिखा है? मेरी मॉम ने। कहाँ थे तुम जाना? कहाँ थे बोलो? मैं मस्जिद में गया था ये पेपर्स दिखाने। कौन सी मस्जिद? मैंने तुम्हें सब जगह देखा। तुमने गांव वालों से मेरे बारे में पूछा क्या? मॉम के बारे में कुछ कहा तो नहीं? मैंने नहीं कहा, क्योंकि इस गांव में कोई है ही नहीं, समझे? तुम बाहर गए तो मुझे बताकर क्यों नहीं गया? अरे ऐसा क्या हो गया? आओ बताता हूँ। देखो, ये मॉम ने किया। हाँ, वो पागल हो गई थी रात की तरह, उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, और उसके बाद फिर मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इस गांव में नेटवर्क कहाँ पर है? अभी कहाँ है मॉम? वो अंदर सो रही है, मैं तब से बाहर ही बैठा हूँ। उन्हें अंदर अकेला छोड़ के तुम बाहर बैठे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगा पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा। पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैली बस करो, ये असफ है, ये हमारी मदद करने आए। शुक्रिया दोस्त। ये तो तुमने बताया उससे भी ज्यादा बुरा है। कैसे? वो दीवार पर लिखा हुआ शब्द अरम्यज है, जिसका मतलब है गुनाह, जो एफकलेसन का प्रतीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब बुरी आत्माएं जो सुमेरियन असीरिया में देखी जाती है, ये बेबीलोन की लिखित है, और एफकलेसन उनका लीडर है। किसी को भी इनका असली नाम नहीं पता, पर भूतों की दुनिया में इन्हें सेवन के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। ये एक ऐसी भाषा है जो किसी भी मालूम भाषाओं से नहीं मिलती, और ये सिंबल उसी सेवन का है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेवन, ये सेटन यानी शैतान की ही संतानें हैं। सोलोमन ने अपनी एक अंगूठी से उन्हें सेटन की खिदमत से बाहर निकाला था, पर सोलोमन के मरने के बाद सेटन ने उन्हें फिर से अपना गुलाम बना लिया। एक कहावत है, वो साथ हैं, और वो साथ के दो गुनाह है, वो साथ है जमीन और आसमान में। ऐसे दो ग्रुप हैं, एक जमीन पर और एक आसमान में, और एक दरवाजा भी है जहां इन दोनों के रास्ते मिलते हैं। एफकलेशन इस ग्रुप का मुखिया होने के नाते वो इस दरवाजे का रखवाला है। ये शैतान लोगों की बुरी इच्छाएं सुनकर उन्हें मदद करता है, और उनके फरिश्तों को गौर से देखता है, और उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी नहीं जीते और ना ही कभी जीत पाएंगे। पर मैं पहले ग्रुप के बारे में ये नहीं कह सकता, बहुत कम लोग उन तक पहुंच पाते हैं, पर अगर कोई पहुंच गया तो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं।
मुझे लगता है तुम में से कोई वहां तक पहुंच चुका है। बहुत ही अजीब बात है। क्या तुम्हारी माँ कल रात को यहाँ पर खुदाई कर रही थी? जी। यहाँ खोदने के लिए कुछ सामान ले आओ। रुको, मैं लेके आता हूँ। एक चीज गायब है, इसका मतलब उसने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। जब एफकलेशन एक शरीर पर काबू करता है तब यह चिन्ह पूरा होता है। मैंने वो पूरा चिन्ह देखा हुआ है तो मुझे पता है। अरबी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं? जैन, कहाँ हो तुम बेटा? मैं यही हूँ, फिक्र मत कीजिए आप। मेली, मॉम के पास जाओ। अरे कोई नहीं, ये बस हमसे मिलने आए थे। नुसाय बिन किजिन, होली हया, होली हासा, होली मैसा, होली साशिर, होली नासिर, होली इबियान, होली अहकाम। ये तो एक चमत्कारों की संतानें हैं जो उस वक्त सोलोमन के साथ थी, उनके लिए काम करती थी। सेटन के बाद मैं तुम्हें फातिमा और उसके जिन को छोड़ने के लिए इजाजत देता हूँ, और ये तभी ही मुमकिन हो पाएगा। फातिमा के हाथ पैर बांधो, वरना आगे चलकर तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। उसकी जहरीली जुबान बंद करो। अल्लाह की रहमत तुम पर बरकरार रहे। ये बहुत भयानक है। ये तुम्हारे दादाजी ने लिखा है खास तुम्हारी रक्षा के लिए। किससे बचाने के लिए? फातिमा से। पर नानी माँ ऐसा क्यों करेंगी? इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्होंने तुम्हें आज तक बचा रखा है तो इसके आगे क्यों नहीं बचा सकते, ये जानना जरूरी है। अब हम क्या कर सकते हैं सफ, ये बताइए। क्या मैं देरिया से मिल सकता हूं? वेलकम असफ, अंदर आओ। शुक्रिया देरिया। मैं खाना बनाने जा रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलिए जान, एक मिनट आना। मैं बस अभी आया। कौन है ये आदमी और कहां से आया है? एक होजा ने इनके बारे में बताया, इस तरह के केस में ये माहिर है। क्यों? और होजा ने क्या कहा? होजा ने तो कहा कि हमें सारे पेपर जला देने चाहिए, ये बुरी चीज। जान, मैं बोल रहा हूँ उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं ना। बकवास मत करो, तुम्हें जाना तो जाओ। जान, तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग इस आदमी को ठीक से जानते तक मुझे नहीं। इस पे भरोसा है, तुम जाओ यहां से। मॉम, यहाँ पास में एक गाँव है तहलीली, ये वहीं से है, बहुत खूबसूरत गाँव है। तुम वहाँ रहते हो? हाँ, कुछ दिनों से। अच्छा, अभी यहाँ आए? हाँ, सही कहा। तुम इस्तांबुल से आए हो? नहीं, मैं अब्रॉड में था। अच्छा, कौन सी कंट्री से? मैं जेरूसलम में था, अभी कुछ सालों से यहाँ सेटल हुआ हूँ। ओ अच्छा। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे आप बैठिए, मैं ले आता हूँ ना। मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारी माँ बाएं हाथ से खाती है?
नहीं, क्यों? खाना बहुत अच्छा है। हाँ वाकई में बहुत ही टेस्टी है। तो दरिया, क्या बाएं हाथ से खाना खाना मुश्किल है? दरिया, मुझे सच बताओ। दरिया, मेरे साथी ने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है। तो तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये सब महंगा पड़ेगा आसफ। तुम्हें इस परिवार से क्या चाहिए बताओ। मैं अपनी चीज वापस लेने आई हूँ और उसे हासिल करके रहूंगी। यहाँ तुम्हारी कोई चीज नहीं है। बस बहुत हो, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें उस कवच के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने इस शरीर से क्या वादा किया है? उस कवच के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तुम खुदा की उस आग में जल जाओगे। जो चीज मैंने बनाई है तुम उसी से मुझे डरा रहे हो। तुम्हारा वक्त खत्म आसफ। अपनी आंखें खोलो। वो आग का मतलब अंत नहीं, शुरुआत है। थोड़ा पानी मिलेगा दरिया? दरिया, पानी मिलेगा? क्या कहा? मुझे पानी चाहिए। जी माफ करना, मैंने सुना नहीं। ये बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन्हें सूप पसंद नहीं आया। वो गार्डन में है। यहाँ पर वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी? जैन देखो, ये इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करें सब? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, बोलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कवच नहीं ढूंढूंगा। अगर वहां पर लिखा है तो मैं उस कवच के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो फिर क्या? फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। पर यह बात तो तय है कि एस्केलेशन को उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना है। आप प्लीज कुछ ऐसी बात कीजिए कि मैं समझ सकूं। क्या वो मेरी माँ पे पूरी तरह काबू पाना चाहता है सफ? हाँ। पर क्यों? अब तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो जैन। वो जानकर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। असफ, आप मुझे बस ये बताइए कि मैं क्या करूं। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों डरो मत। अभी तक जो कुछ भी देखा है सुना है तुम उस सब का सबूत हो। पर अगर तुमने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा तो क्या? तो उनके लिए आसान हो जाएगा और तुम ये जरूर देखोगे। ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो जान? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ से चलते हैं ना, तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तेरे डर की वजह से मैं मॉम को मेंटल हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा। जान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बात और बिगड़ती जा रही है। मैंने तुझे अपने साथ नहीं बुलाया था। अगर तुझे जाना है तो जा। बहुत हुआ, आप चुप करो प्लीज। नानी माँ, आपने किस मुसीबत में डाल दिया। मुझे पता है किससे पूछना है। मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो, तुम कभी नहीं सोते। तुम्हें इससे दूर रहना होगा। ये खत्म हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें क्या मिलने वाला है सबसे? मैं मिट्टी से बने लोगों की नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे मालिक की सुनता हूँ। मेरा मालिक अल्लाह है, जो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। मेरी बात ठीक से सुनो असफ, क्या अल्लाह यहाँ है?
बॉम्ब, एक राक्षस मेरे सामने छुप रहा है। तुम जहां कहीं देखोगे वहां हर जगह मैं हूं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मॉम सुनो, कहीं भी जाना मत, समझ गए? कहीं भी जाना मत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जैन। मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। चाहिए करो। बॉम बस करो, प्लीज बस करो। उस राक्षस ने यह कवच अपनी भाषा में लिखा। तुमने क्या किया? आखिरी रखवाला खत्म। क्या किया इसने?
क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुमने वो कागज क्यों चलाया? क्यों चलाया तुमने वो कागज? प्लीज मुझे छोड़ दो। चैन और तहरिया गायब हो गए, ये पता है तुम्हें? तुम इस गांव में किसी और को जानते भी हो? एक औरत ने मुझे चादरें लाकर दी थी। उसके घर का पता जानते हो तुम? चलो जल्दी। मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, समझ गए? मैली डरो मत। क्यों मैं भरोसा करूं तुम पर? हाँ, कौन हो तुम और आखिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। मैली डरो मत, अगर तुम डर गए तो वो तुम्हारी जान ले सकते। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? चलो वापस चलते हैं। तुमने वादा किया था तुम मुझे बचा लोगे, यह तुम्हारी मदद करेगा, ओके? मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ए अल्लाह रहमान रहीम, ए खुदा मेरा साथ दे, शैतान को खत्म कर दे, मुझे ताकत दे इस शैतान को खत्म करने में, मुझे ताकत दे।
इस शैतान को खत्म करने में मेरी मदद कर खुदा। मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा। बुराई पर अच्छाई की जीत दिलवा मेरे खुदा। इस मुश्किल काम में मेरा साथ देना खुदा, या खुदा मेरा साथ देना। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहेगी, जरूर होगी। तुम मदद करो, अद्भुत फरिश्ते मदद कर, बुलंद फरिश्ते मेरी मदद कर, अल फातिया के फरिश्ते मदद कर। जवाब दो, हमारे पास आओ, हमारी मदद करो और इस काम में हमारा साथ दो। अल फातिया के साथ साथीदार और जन्नत के सारे फरिश्तों से, कुरान और पैगंबर मोहम्मद के लिए इस काम में हमारा साथ दे खुदा। मेरे मेरे पैगंबर मोहम्मद के लिए मेरा साथ दे खुदा। मेरे खुदा, तेरे एरेफिल उहेदार को मेरे हवाले कर, ताकि वो हमारा साथ दे और हमारी बात सुने। तेरी इजाजत और रहम से ही सब करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। या मेरे खुदा, मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा। मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, ऐ खुदा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, इस बात का दावा देता हूं। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है? अर्रहफिल उहैदा। अल्लाह तुम पर और तुम्हारे सभी लोगों पर रहम करे। आमीन। क्या तुम दरिया को जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो जो फातिमा की और यूसुफ की बेटी है? क्या तुम उन्हें जानते हो? सच बताओ। मैं जानता हूं। तो क्या तुम उस जादू को जानते हो जो उसके साथ किया गया था? मैं ये जानता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ये जादू क्यों बनाया गया था? क्या मकसद था इस जादू को बनाने के पीछे? फातिमा ने बच्चा गंवा दिया था, उसने अपनी बेटी को जिन के हवाले किया। उसने ये सौदा इसीलिए किया ताकि उसे एक लड़का हो सके। उसके गर्भवती होने से पहले ही उसके अंदर बुराई के बीज डाल दिए गए थे। बुराई का साथ देने वाले राक्षस इस बात से राजी हो गए थे, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। और फातिमा ने इस सौदे के बदले में एक बेटा मांगा था, यही सौदा था। पर इस वक्त ये दरिया को काबू में क्यों करना चाहते हैं, ये बताओ मुझे। यूसुफ जो दरिया का बाप है, उसने जिन से मदद मांगी थी, उसके मरने के बाद उसकी बेटी की हिफाजत के लिए, पर एक बहुत ही बुरा राक्षस एफगलसिन ने उसके साथ धोखा किया और वो कवच को जला दिया। दरिया की बलि देकर उन्हें बदले में एक लड़का मिल जाएगा। उस जिन का क्या हुआ जो यूसुफ की मदद कर रहा था? उस जिन का क्या हुआ जो उस यूसुफ की मदद कर रहा था? जब वो कवच चला, उसके साथ वो सब भी चल गए। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। क्या फातिमा को बेटा हुआ था? सच सच बताना मुझे।
बुरे राक्षस और एफ्कलेसिन आए थे उसे बेटा देने के लिए आए थे सौदे के मुताबिक। वो लोग उसे बेटा देने के लिए आए थे। तो आप मुझे ये बताओ कि फातिमा का बेटा कौन है? अल्लाह के खातिर हमें ये बताओ कि कौन है फातिमा का बेटा? सच बताओ कौन हो तुम? हम शैतान से किया हुआ अपना वादा निभाएंगे। हमने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, पर तुमने वो किया। देरिया अनजाने में एफ्कलेसिन के साथ थी। कहाँ है मेरी मॉम? कौन मॉम? वो तो एक गंदी मिट्टी थी जो हमें मिली थी। वो अभी हमारे कब्जे में है। उसने अपने आप को हमें सौंपा है। तुम हमारे रास्ते पर चलोगे, तुम हमारी तरह बात करोगे, तुम हमेशा हमें देख और सुन सकोगे। कैसे तोड़ सकता हूं मैं ये कवच? बताओ। तुम वापस आ गए मेरे बेटे।